तो दोस्तों मैं आपको बता रही थी कि किस कैसे आप ग्रह देवता की पूजा करें, बुध ग्रह देवता की। तो बुध ग्रह देवता की पूजा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ओम एम बोम बुद्धाय नमः। और इसका एक सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि ये जो एम बोम बुद्धाय नमः है, इसको आप जितना ज्यादा से ज्यादा जपेंगे, खाते पीते चलते उठते फिरते जब भी आपको वक्त मिले, आप अपने जुबान से जितना भी, उतना ही आपके पास धन आता है। बैठे बिठाए आप बहुत सारा मेहनत कर रहे हो, बहुत सारा मेहनत कर रहे हो, बहुत सारा मेहनत करके आप बहुत ताज्जुब में पड़ जाओगे कि मैं ना इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, वहां से कुछ नहीं आ रहा है और बैठे बिठाए मेरे को पैसे आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, अचानक से आपको आने शुरू हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। बस आपको इसके लिए ये करना है कि अब आप इंतजार करने मत बैठो कि मैं तो बुद्ध भगवान का मंत्र का जप कर रहा हूँ अब मेरे पास पैसे आने वाले हैं, ऐसे नहीं होगा। बट आप जाप करते रहो, अगर ये आप जितने जाप करते रहते हो तो आपका जो धन का एरिया है वो बड़ा मजबूत होते जाएगा, आपका वाणी का एरिया है, जो जुबान है आपकी वो बहुत ही कंट्रोल्ड होती जाएगी और बहुत ही सुंदर होती जाएगी। और आप धीरे 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 देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में एक अजीबो गरीब चमत्कार सा हो रहा है, अगर आप बिलीवर हो तो, अगर आपका बिलीव स्ट्रांग है तो। इसके बाद अगर आप बुध को और शनि को दोनों को जप करते हो, ओम शन शनैश्चराय नमः और एम बु बुधाय नमः, ये दोनों का आप जप करते हो, तो आप देखो कि कैसे आपके पास पैसे आता है, कहाँ से आता है। आपको उन पैसों को टच भी नहीं करने पड़ेगा करना पड़ेगा, आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली वो पैसे आ जाएंगे। इसमें किसी भी धन योग की, और किसी चाहे भी आपका धन योग कैसा भी हो, लेकिन आपके पास आप हमेशा देखोगे कि आपके पास एक मिरेकल है, एक चमत्कार है कि आपके पास वो पैसे आ जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कौन आ रहा, कौन किस सोर्स से आ रहा है, ऐसी जगह से आ जाएगा जिनको आप जानते नहीं हो, ये चमत्कार होता है बुध ग्रह का। और बुध ग्रह के देवता जो है वो गणपति जी हैं, गणपति जी रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। रिद्धि सिद्धि मीन्स प्रॉस्पेरिटी, और प्रॉस्पेरिटी किसको कहते हैं, जब हमारे पास कोई भी दौलत मान सम्मान के साथ आती है, हमारी ईमानदारी की आती है, हमारी मेहनत की आती है, और लोग हमें प्यार करते हैं, लोग हमारी क्वालिटी को, हमारी कैपेबिलिटी को पहचानते हैं, तो ऐसे ऐसे इस तरह से, इस रास्ते से जो दौलत आपके पास आती है, या जो पैसा आपके पास आता है, जो आप घर खरीदते हो, जो आप गाड़ी खरीदते हो, आप कहते हो तब कि ये बड़ा ईमानदारी का है, मेरी बड़ी ईमानदारी का पैसा पैसा इसमें लगा हुआ है, किसी का एक उधार नहीं लिया, किसी का रोका नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो सेटिस्फैक्शन जो होता है वो शायद करोड़पति और बड़े बड़े अरबपति और दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसान को भी इस धरती पर नहीं होता है। जो ये बिलीवर्स जो होते हैं, ग्रहों के बिलीवर्स की, जो मानते हैं कि ये सारे ग्रह जो हैं वो हमारे अल्टीमेट गुड के लिए होते हैं, अल्टीमेट बेस्ट के लिए होते हैं, हमारी लाइफ को वो किस तरह से बेस्ट बनाते हैं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में अगर कोई घटना ना हो, कोई बुराई ना हो, कुछ चीज़ें से टूटे फूटे ना, तो नई चीज़ें आएंगी नहीं। तो कोई चीज़ें टूटने फूटने पर, किसी की मृत्यु पर ही वो जगह खाली होती है, क्योंकि हम और हमारा हमारा ये काम होता है कि हम उस ईश्वर की योजना के अनुसार उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले। तो बुध ग्रह को मनाने के लिए आप मूंग की दाल है, थोड़ी सी मूंग की दाल ले लो, थोड़ी सी और एक दुर्वा ले लीजिए। मूंग का दाल भी अगर आप नहीं ले सकते, 7 दुर्वा ले लीजिए, 11 दुर्वा ले लीजिए। हर रोज की बात नहीं करती हूँ मैं, सिर्फ एक दिन की बात करती हूँ। वो 7 दुर्वा 11 दुर्वा लीजिए और वो जाके बुद्ध भगवान का नाम लेते हुए, बुद्ध देवता का नाम लेते हुए, बुद्ध देवता की तरफ से आप वो गणपति जी को समर्पित कर दीजिए। और फिर देखिए कि मैं बुद्ध देवता के तरफ से मैं समर्पित कर रहा हूँ, मुझे वाणी दीजिए, मेरा सब कुछ अच्छा हो और मेरे द्वारा बोले हुए हर शब्द जो है वो बहुत अपना एक अर्थ लेकर आए और उसका इम्पैक्ट हो मेरे जीवन पर, मेरे लोगों पर, मेरे फ्रेंड्स पर, मेरे समाज पर, मेरे पड़ोस पर, और सभी मुझे प्यार करें। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी जो है वो कैसे बदलती है। और वो बुद्ध भगवान का जप करना, बस इतनी छोटी सी बात, वो भी केवल बुधवार के दिन, और बुद्ध भगवान का नाम ले लेना, उन्हें याद कर लेना, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने बॉयफ्रेंड को, अपने बेटे को, अपने भाई को, सबको याद करते हैं, है ना, ये सोच के कि वो आएगा, वो मिलेगा, वो आएगा तो खाएगा, ये सेम वैसे। बस फर्क इतना है कि हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में दिखाई देते हैं और वो जो पार्स है
उन्हें पावर कहा गया है वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके निमित्त अगर आप छोटी छोटी चीजें करेंगे तो आपकी जिंदगी, आपके अगल बगल का वातावरण पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, आपसे मैंने छोटी सी बात शेयर की है, ना लेफ्ट ना राइट, बड़ी सिंपल सी बात, बड़े विश्वास के साथ प्योर मन से आप इन छोटी छोटी चीज़ों को, छोटा सा है, 11 साल दुर्वा ले लीजिए, आप किसी भी फूल वाले के यहाँ मिल जाएगा, उसकी गांठ बनाइए और ले जाके रख दीजिए। अगर ज़्यादा वाले, ज़्यादा करने का मन है तो ज़्यादा भी मैं बताऊंगी, लेकिन अभी मैं जो भी वीडियो में बता रही हूँ वो जो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, जिनके पास काम नहीं, जिनके पास विश्वास थोड़ा कम है और जो बहानेबाजी करते हैं, वो इतना छोटा तो कर ही सकते हैं। अगर आप इतना छोटा भी करोगे ना, तो एक आलसी और टालू इंसान अगर छोटा सा भी कर्म करने लगे ना, तो भगवान बोलते हैं चलो जाने दो, कुछ नहीं, कुछ तो कर रहा है, तो वो एटलीस्ट आपकी तरफ देखते हैं, और जब वो आपको देखते हैं तो बड़े ही प्यार और बड़े ही सम्मान से देखते हैं। जैसे ही वो प्यार और सम्मान से देखते हैं आपको, इस दुनिया में भी वो प्यार, वो सम्मान, वो इज्जत मिलने लगती है। आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।